हेलो दोस्तों, अगर मंथली सेविंग्स की बात किया जाए तो दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हम लोगों का दिमाग में आता है। एक है रिकरिंग डिपॉजिट और आरडी, दूसरा है एसआईपी नहीं तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये आरडी एंड एसआईपी के बीच में लड़ाई हर वक्त चलता है। कोई कहते हैं कि आरडी कीजिए, इससे आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा। कोई कहते हैं एसआईपी कीजिए क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन की जो फैक्टरिंग वो हो जाता है और अच्छा खासा रिटर्न फ्यूचर में मिलता है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा कि ये आरडी और एसआईपी में कौन सा करना चाहिए और किस टाइम में करना चाहिए। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मैं रेगुलर बेसिस पे फाइनेंशियल टॉपिक पे वीडियो अपलोड करता हूँ जो आपको डे टू डे फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। दोस्तों, रिकरिंग डिपॉजिट बैंक में किया जाता है और हर महीने एक सर्टेन अमाउंट इसमें डिपॉजिट होता है और एक टर्म की बात आपको जो प्री डिफाइंड जो बैंक ने कहा है इतना मिलेगा उतना मिल जाता है। और यूजुअली बैंक का जो फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट वही इंटरेस्ट रेट रिकरिंग डिपॉजिट में मिलता है। एसआईपी म्यूचुअल फंड में आप कर सकते हैं जिसमें भी हर महीने थोड़ा थोड़ा कट के जाते हैं और आफ्टर सर्टेन पीरियड टाइम जो आप सिलेक्ट करते हैं उसके बाद एज लामसम अमाउंट आपको मिलता है। लेकिन आरडी की तरह फिक्स्ड कोई रिटर्न नहीं होता। इसमें उस टाइम में जो नैप वैल्यू है मल्टीपल बाई टोटल जो आपका नैप अमाउंट आपके पास है वो करके जो आएगा वही आपको मिलता है। यूजुअली एसआईपी में लंबा टाइम के लिए इन्वेस्ट करने से मार्केट की ग्रोथ की वजह से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। दोस्तों, अगर टर्म की बात किया जाए तो रिकरिंग डिपॉजिट में आप मैक्सिमम 10 साल के लिए कर सकते हैं, लेकिन एसआईपी में आप अनलिमिटेड टाइम के लिए कर सकते हैं। जितने चाहे उतने दिन के लिए आप एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन आरडी में ओनली 10 ईयर के लिए होता है। रिकरिंग डिपॉजिट में आपको टीडीएस लगता है, कुछ 2-3 साल पहले भी नहीं लगता था, अभी रिकरिंग डिपॉजिट में टीडीएस लगता है और उनका जो इंटर इंटरेस्ट इनकम है वो आपका जो ग्रॉस इनकम है उसके साथ ऐड होता है और आप जो टैक्स स्लैब में पड़ते हैं उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन एसआईपी में क्या है कि उसमें टोटल इनकम ग्रॉस के साथ ऐड नहीं होता। इसमें अगर आप 1 साल पहले तोड़ते हैं तो टोटल कैपिटल गेन में जो 15% टैक्स है उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है जितने पोर्शन आपने गेन किया मतलब प्रॉफिट किया। और अगर 1 साल के बाद आप तोड़ते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आता है और उसमें आपको अगर आपका जो गेन है अगर 1 लाख से ऊपर हुआ तो आपको 10% टैक्स देना पड़ता है। तो अगर टैक्स की बात किया जाए तो यूजुअली एसआईपी बेटर ऑप्शन, क्योंकि क्या होता है कि 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट करना इजी नहीं होता तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में यूजुअली टैक्स का छूट मिल जाता है और बहुत कम ही लोग 1 साल के बीच में एसआईपी तोड़ता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में रिकरिंग डिपॉजिट में लॉस होने का कोई ऑप्शन नहीं रहता, लेकिन एसआईपी में अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो कभी कभी मार्केट गिरने पर आपके पास आपका लॉस भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये दोनों का जो बेसिक फीचर था मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कौन सा चीज कब करना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट बैंक में बहुत ही घट गया है, अराउंड 6%। तो रिकरिंग डिपॉजिट का जो क्रेज था पहले अभी उतना नहीं है और 6% में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं 5 साल 10 साल में आई थिंक आपको नेगेटिव अर्निंग मिलेगा। क्या होता है कि इन्फ्लेशन उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और अराउंड 6% से कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आज रिकरिंग डिपॉजिट टोटली इनवैलिड हो चुका है। अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म टारगेट है, सपोज आप 1 साल बाद कोई इंश्योरेंस का प्रीमियम देना चाहते हैं, नहीं तो 6 महीने के बाद अपने बच्चे के लिए बच्चे का स्कूल का फी देना चाहते हैं, तो इस हालत में आरडी इज ए आइडियल इन्वेस्टमेंट। इससे क्या होता है कि आप एक प्लान कर सकते हैं कि मुझे इतना चाहिए 6 महीने में 1 साल में, तो आप इसी तरह से रिकरिंग डिपॉजिट करके वो पैसा जमा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका बेटे का उम्र नहीं तो खुद का उम्र 18 से नीचे हुआ तो आप म्यूचुअल फंड नहीं कर सकते। तो उस हालत में जो बच्चे है 12 साल 13 साल उसको जमाने का हैबिट बढ़ाने के लिए रिकरिंग डिपॉजिट एक अच्छा एवेन्यू हो सकता है। तो दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म पर्टिकुलर गोल है लाइक LIC प्रीमियम, बच्चे का फीस, एक बाइक खरीदना, छोटा मोटा गोल फॉर शॉर्ट टर्म, आप रिकरिंग डिपॉजिट कीजिए। लेकिन लॉन्ग टर्म गोल के लिए और रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए प्लीज डोंट डू रिकरिंग डिपॉजिट, क्योंकि दोस्तों इतने जल्दी ये प्राइस मार्केट में बढ़ रहा है सब चीज का। अगर आप फिक्स इन्वेस्टमेंट 6% के हिसाब से करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो आपका नेगेटिव अर्निंग होगा और आप फ्यूचर में आपका लाइफ यू कैन नॉट सर्वाइव। अगर आप देखेंगे हम लोग का पहले जनरेशन में जो रिटायर
जो लोग रिटायर की है, मोस्ट ऑफ द लोगों के पास पीएफ एंड ग्रेच्युटी के सिवा कुछ नहीं बचता। क्योंकि क्या होता है कि वो लोग टिपिकली इस तरह का फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट करते जाते हैं और नेगेटिवली अर्निंग करते जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों प्लीज डोंट डू रिकरिंग डिपॉजिट फॉर लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल के लिए रिकरिंग डिपॉजिट एक आइडियल ऑप्शन है। एसआईपी में आप लॉन्ग टर्म गोल के लिए कीजिए। इससे क्या होगा कि हर महीने आप थोड़ा थोड़ा करके म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट करते हैं और अगर 5 साल 10 साल का ब्लॉक देखेंगे तो इससे मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब कुछ देख ना, 5-6 साल पहले भी अगर 20,000 मार्केट टच कर जाता था तो हम लोग बोलते थे बहुत सेंसेक्स बढ़ गया है, आप इन्वेस्ट मत कीजिए। अभी देखिए अराउंड 34,000-35,000 चल रहा है। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा करके म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे जो आपका जो फंड वैल्यू है बहुत बड़ा फंड वैल्यू हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म गोल के लिए कर रहे हैं, सपोज आपका 10 साल के बाद आपका बेटी का शादी देना है, सपोज आप 10 साल के बाद घर खरीदना है, आप रिटायरमेंट बेनिफिट की साइड में और कुछ लमसम जमाना चाहते हैं, उस हालत में एसआईपी कीजिए। वो आपके लिए सच में बहुत ही अच्छा एक इन्वेस्टमेंट होगा। तो दोस्तों होप रिकरिंग डिपॉजिट और एसआईपी का डिफरेंस मैं आपको समझा पाया। अगर और कुछ आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड फेसबुक में शेयर कीजिए और अगर आप नया है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।